सो व्हाट्स अप गाइस एंड वेलकम टू अनदर वीडियो। और इस हफ्ते की वेंसडे की जो वीडियो, जैसे मैंने आपको कहा था कि आएगी, वो है ये टॉप 10 कार्स अंडर द बजट ऑफ 10 लाख, जिसके बेस मॉडल्स आ जाते हैं 10 लाख रुपीज़ में, या फिर जो अफोर्डेबल है और जिसकी परफॉर्मेंस भी अच्छी है, फीचर्स भी अच्छे हैं, तो उसके बारे में हम बात करेंगे, भले ही वो सेडान हो, एसयूवी हो या कुछ भी हो। तो बिना टाइम वेस्ट करे चलिए अभी इस वीडियो को हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो भाई सबसे पहले स्टार्ट करते हैं हम लोग, जो हमारे नंबर 1 की कार जो आती है वो पहले आती है टाटा नेक्सन। टाटा नेक्सन की अगर हम बात करें तो उसका प्राइस जो है वो स्टार्ट हो जाता है 7.88 लाख के साथ, जो कि ऑन रोड प्राइस है। और इसके फीचर्स वगैरह जो है, ये 2020 की बात मैं कर रहा हूँ आप लोगों को, 2020 ईयर में कौन सी आप ले सकते हैं, तो इसका प्राइस जो 7.88 लाख से स्टार्ट हो जाता है। हालांकि इट गोज़ अप टू 14.96 लाख, बट आप इसका जो बेस मॉडल है वो बाय कर सकते हैं। और ये 32 वेरिएंट्स में आपको मिलती है, एंड आउट ऑफ दीज 32 वेरिएंट्स 18 आर मैनुअल एंड 14 आर ऑटोमेटिक। कलर जो इसमें आते हैं वो आते हैं 6, फॉलेज ग्रीन, फ्लेम रेड, टेक्टोनिक ब्लू, प्योर सिल्वर, डेटोना ग्रे एंड कैल ग्रे वाइट। एंड हाउ एवर सम ऑफ दीज कलर्स आर अवेलेबल इन स्पेसिफिक वर्जन्स। इसके जो कॉम्पिटिटर्स हैं वो आते हैं ह्यूंडई एवेन्यू, वितारा ब्रेजा, एक्सयूवी 300 और इको स्पोर्ट, टोयोटा ग्लैंजा एंड ह्यूंडई क्रेटा। गाइज ये तो था हमारा टाटा नेक्सॉन की, ये थी हमारी पहली कार टॉप 10 में से। जो सेकंड है वो आती है टाटा एल्ट्रॉस। टाटा एल्ट्रॉस का जो प्राइस है वो शुरू होता है 5.88 लाख से, बेस मॉडल जो है इसका टाटा एल्ट्रॉस का। और इंजन है इसका 1200 सीसी का, जो कि जाता है 1500 सीसी तक। ट्रांसमिशन है मैनुअल। फ्यूल टाइप जो मिलेगा वो होगा पेट्रोल एंड डीजल। सीटिंग कैपेसिटी इसमें जो मिलेगी आपको वो होगी 5। और गाइज इसका जो टॉप मॉडल है टाटा एल्ट्रॉस का, वो भी 10.61 लाख तक ही जाता है, तो उसमें ज़्यादा 61,000 रुपीज़ ही आपको ऐड करने पड़ रहे हैं, ज़्यादा ऐड नहीं करने पड़ रहे। तो ये मेरे हिसाब से परफेक्ट है इस रेंज में अगर आपको कार लेनी है तो। और बाकी इसके जो वेरिएंट्स है वो 22 वेरिएंट्स है, और सारे वेरिएंट्स जो आपको इसमें मिलते हैं वो होंगे मैनुअल। कलर्स जो होते हैं टाटा एल्ट्रॉस के वो होते हैं 5 कलर्स, स्काईलाइन सिल्वर, हाई स्ट्रीट गोल्ड, डाउनटाउन रेड, एवेन्यू वाइट एंड मिड टाउन ग्रे। हाउ एवर सम ऑफ दीज कलर अवेलेबल इन स्पेसिफिक वर्जन्स। कुछ कलर्स होते हैं वो सिर्फ स्पेसिफिक वर्जन्स में देखने को मिलेंगे आप लोगों को। अब जो मेन बात आती है इसके कॉम्पिटिटर्स की, जो तो एल्ट्रॉस इज कॉम्पिटिटिंग अगेंस्ट मारुति सुजुकी बलिनो, ह्यूंडई एलाइट i20, टाटा टियागो, फोर्ड फ्री स्टाइल, फोर्ड फीगो एंड मैनुअल एंड मारुति सुजुकी स्विफ्ट। गाइज अगली जो कार हम लोग देखने वाले हैं इसमें टॉप 10, मारुति सुजुकी डिज़ायर। तो इसका जो प्राइस शुरू होता है ऑन रोड प्राइस डिज़ायर का, वो होता है 6.57 लाख से, और इसका प्राइस जो जाता है वो जाता है 9.92 लाख। तो ये भी एक परफेक्ट कार है, 10 लाख के अंदर अंदर अगर रेंज हो आपकी तो ये भी आप ख़रीद सकते हैं 2020 इस साल के अंदर अंदर। माइलेज जो ये देता है, मतलब माइलेज इसकी है 23.26 to 24.12 km/L। इंजन होगा 1200 सीसी का, ट्रांसमिशन है मैनुअल एंड ऑटोमेटिक, फ्यूल टाइप है पेट्रोल, और सीटिंग कैपेसिटी जो आपको इसमें देखने को मिलती है वो है 5। अब गाइज अब जो बात आती है वो आती है ह्यूंडई एवेन्यू, ये हमारी 4th कार है। ह्यूंडई एवेन्यू के बारे में बात करें तो इसका प्राइस जो है वो शुरू हो जाता है 7.61 लाख से, और ये जो प्राइस है ये बढ़कर हालांकि चले जाता है 13.62 लाख तक। तो इसके कुछ बेस जो वेरियंट्स है वही मैं आपको प्रेफर करूँगा कि आप ख़रीदें, क्योंकि ये जाते जाते 10 लाख से ऊपर हो जाता है इसका प्राइस। तो अगर हम देखें E1.2 पेट्रोल और S1.2 पेट्रोल, E1.5 CRDE, S1.0 टर्बो, तो ये सब जो हैं ये 10 लाख के अंडर आते हैं और आप ये ख़रीद सकते हैं। तो ये अलग ऑप्शन आपको देखने को मिल रहा है इसमें ह्यूंडई एवेन्यू का। अब गाइज जो अगला ऑप्शन हमारे पास है, 5th ऑप्शन, वो है ह्यूंडई वर्ना। अनदर कार ऑन द लिस्ट That got a new facelift. Hyundai Verna has gone far and beyond the received 8 new features. जो 2020 की बात मैं कर रहा हूँ, इसमें आपको जैसे कि मिलेगा फ्रंट वायरलेस चार्जिंग, डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, स्मार्ट बूट एंड एमरजेंसी स्टॉप सिग्नल टू नेम अ फ्यू। और इसमें जो प्राइस स्टार्ट होता है लोअर वेरियंट का 9.31 लाख जिसका प्राइस है, हालाँकि गोज़ अप टू काफ़ी, मतलब 14-15 लाख तक ये पहुँच जाता है
तो उस चीज़ का फ़ायदा नहीं है, इसलिए मैं आपको बेस वेरिएंट्स का ही स्पेसिफिकली बता रहा हूँ कौन कौन सी आप कार खरीद सकते हैं बेस वेरिएंट से जिसका प्राइस शुरू हो जाता है 10 लाख से, तो वो है। तो इसमें वही है, टर्बो इंजन मिलेगा आपको 7 स्पीड का और DCT फॉलोड बाय 1.5 लीटर पेट्रोल। गाइज अगली कार जो आती है 6th कार वो है Hyundai Elite i20 जिसका प्राइस शुरू हो जाता है 7.38 लाख से। और ये तो इसकी एक वीडियो मैं अपने YouTube चैनल पर भी डाल चुका हूँ। इसकी माइलेज जो है वो है 19.8 KMPL की, इंजन है 1200 cc का, ट्रांसमिशन होगी मैनुअल, फ्यूल टाइप पेट्रोल, सीटिंग कैपेसिटी इसमें आपको मिलेगी 5। और Hyundai Elite i20 भी एक अच्छा एग्जांपल है, 10 लाख के अंडर आप कार ले सकते हैं क्योंकि इसका जो टॉप मॉडल है वो भी 10 लाख के अंडर ही बैठता है 9.37 लाख का। तो वर्जन जो है वो 4 वेरियंट्स में आपको मिलते हैं और सारे वेरियंट्स में मैनुअल होंगे और इसके 7 कलर्स आपको मिलेंगे जो कि मैं अपनी वीडियो डाल चुका हूँ, आप इसमें मेरे चैनल पर देख सकते हैं इसकी वीडियो। तो ये भी हो गया इसका। अब गाइस बात आती है जो अगली हमारा टॉप में आती है, टॉप 10 में, वो है मारुति सुजुकी बलेनो। बलेनो एक अच्छी कार है अगर आप लोगों को खरीदनी है टॉप 10 की रेंज में, क्योंकि इसका जो प्राइस है वो शुरू हो जाता है 6.21 लाख से और ये जो प्राइस है ये जाता है 10.02 लाख तक। तो 2,000 रुपये 2,500 रुपये ज़्यादा मिलाने पड़ते हैं इसके टॉप मॉडल के लिए भी। बाकी ये भी 10 लाख की रेंज में अच्छा खासा है आपके पास एग्जांपल है, क्योंकि इसकी जो माइलेज है वो है 19.56 to 21.96 KMPL। इंजन होगा 1200 cc का, ट्रांसमिशन इसमें मिलेगी आपको मैनुअल एंड ऑटोमेटिक और सीटिंग कैपेसिटी इसमें आपको मिलेगी 5। तो ये आप लोग देख सकते हैं। अब जो अगला आता है टॉप 10 में हमारे जो हम ले सकते हैं कार, वो है मारुति सुजुकी विटारा ब्रेज़ा। मारुति सुजुकी विटारा ब्रेज़ा जो है इसका जो प्राइस शुरू होता है वो होता है 8.25 लाख से और ये लेकिन प्राइस जो है चल जाता है 13.17 लाख तक। तो इसके जो टॉप वेरियंट्स है वो इसके 10 लाख के बाहर चल जाते हैं, तो प्लीज़ आप वो मत देखो, बेस मॉडल देखो और उसके कुछ मॉडल्स है जो 2-3 मॉडल जो 10 लाख के अंदर आते हैं उसमें आप देखो। तो माइलेज जो मिलेगी उसमें आपको मिलेगी 17.0 KMPL to 18.76 KMPL विटारा ब्रेज़ा में। इंजन होगा इसका 1462 cc का इंजन, ट्रांसमिशन होगी मैनुअल एंड टॉर्क कन्वर्टर ऑटोमेटिक, फ्यूल टाइप होगा पेट्रोल, सीटिंग कैपेसिटी होगी इसकी 5। और अगर हम इसके बात करें कलर्स की तो ये 9 कलर्स में मिलती है, टॉप ब्लू, ग्रेनाइट ग्रे, पर्ल, आर्कटिक वाइट, प्रीमियम सिल्वर, ऑटम ऑरेंज, सिजलिंग रेड, सिजलिंग रेड एंड मिडनाइट ब्लैक रूफ, टॉप ब्लू विद मिडनाइट ब्लैक रूफ एंड ग्रेनाइट ग्रे विद ऑटम ऑरेंज रूफ। और कुछ वेरियंट्स जो है वो कुछ वर्जन जो है वो स्पेसिफिक कलर्स में आपको देखने को मिलते हैं। अब बात आती है गाइस इको स्पोर्ट की, फोर्ड इको स्पोर्ट। इसका सिर्फ एक नॉर्मल एक वेरिएंट जो है, बेस मॉडल जो है वही आपको मिलेगा इसमें 9.02 लाख में, जो आप अफोर्ड कर सकते हैं अंडर 10 लाख जो बेस मॉडल है इसका। तो ये भी काफ़ी एक अच्छा आपके पास एग्जांपल अगर आपको नॉर्मल एक, क्योंकि फोर्ड की कार है तो काफ़ी इसकी भी डिमांड होती है और इट गेट्स 1.5 लीटर VCT पेट्रोल इंजन विद एन आउटपुट ऑफ 121 BHP एंड 149 Nm टॉर्क, ARAI माइलेज ऑफ 115.9 KMPL। It is a BS6 compliant engine. It also gets safety features including ABS, EBD and dual airbags. While higher variants get features like voice recognition, infotainment system, rear view camera, parking sensor and so on. अब गाइस आती है जो लास्ट कार आती है हमारी, वो है होंडा अमेज। होंडा अमेज गाइस इसकी बात करें सबसे पहले हम प्राइस की, तो वो शुरू हो जाता है 6.10 लाख से। तो एक ये आपके पास अच्छा ऑप्शन है अगर आप अंडर 10 लाख में सर्च कर रहे हैं, तो ये भी आप देख सकते हैं इसमें जो मिलेगा आपको वो होगा द BS6 होंडा अमेज कैन बी कंसिडर्ड सिमिलर टू वर्ड BS4 वर्जन वॉज विद द सेम इंजन एंड द सेम आउटपुट। द कार गेट्स 2 इंजन्स, द 1.2 लीटर इंजन प्रोवाइड्स 88 BHP एंड 110 Nm टॉर्क, वाइल द 1.5 लीटर डीजल आउटपुट 99 BHP एंड 200 Nm ऑफ टॉर्क, 200 Nm ऑफ रोटेशनल फोर्स। बोथ इंजन आर पेयर्ड विद CVT एंड मैनुअल ट्रांसमिशन। सेफ्टी फीचर्स में जैसे आपको देखने को मिलेंगे एंटी लॉक ब्रेकिंग सिस्टम टू प्रिवेंट स्टीयर लॉकिंग वाइल ब्रेकिंग, 2 एयरबैग्स एंड अमेज ऑल्सो गेट इलेक्ट्रॉनिक ब्रेक फोर्स डिस्ट्रीब्यूशन टू प्रिवेंट रोलिंग ओवर द हाई स्पीड टर्न्स। अगर आप कभी टर्न लेंगे तो ये आपका जो सिस्टम है ये आपको स्लिप होने से बचाएगा, इससे एक्सीडेंट कम होते हैं। वीडियो थोड़ी सी लंबी हो गई गाइस, बट मैंने ज़्यादा एलैबोरेट करके नहीं बताया हर कार को, लेकिन उसके फीचर्स थोड़े बहुत, उसके कलर्स, उसकी माइलेज, उसका प्राइस, उसके बेस मॉडल अफोर्ड कर सकते हैं नहीं, ये मैंने आपको बता दिया है। तो इस वीडियो में इतना ही, और ये वीडियो ऑलरेडी क्योंकि 10 मिनट्स की हो गई है, तो
इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करना, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना है और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करना। तो थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। और अगली वीडियो अगर इस पर रिस्पॉन्स अच्छा मिला तो अगली वीडियो आएगी बेस्ट 10 कार्स अंडर द रेंज ऑफ 5 लाख, तो उसके बारे में डिस्कस करेंगे अगली वीडियो में जो कि आएगी सैटरडे को। तो तब तक के लिए वीडियो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। गुड बाय, हैव अ ग्रेट डे।